यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद के लिए 69,000 वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप टीचर के असिस्टेंट लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, 2 साल का BTC कोर्स हो जो टीचर ट्रेनिंग का होता है, या फिर BEd हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा क्या क्या जानकारी आपको देखना है। मैं मेन मेन जानकारी दे देता हूँ आपको, जैसे योग्यता तो पता ही दिया आपको, 2 साल का BTC या फिर BEd का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो मेन होता है, दूसरा पॉइंट देखेंगे कि CTET या फिर UPTET, दो में से कोई एक होना चाहिए। अगर CTET होगा तो अप्लाई कर सकते हैं 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अगर UPTET आपने पास किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो 21 साल से 40 साल तक के बीच अगर आपका होगा, 40 तक भी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथि देख सकते हैं, 6 तारीख को ही रिलीज हो गया था नोटिफिकेशन। ऑनलाइन जो लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2018 तक इसे भर सकते हैं, और स्टार्ट हो गया 6 दिसंबर से ही इसका। बहुत सारे यहाँ डेट दिया कि आप खुद से चेक कर लीजिए। मैं बता देता हूँ, आवेदन शुल्क आपका अगर SC ST बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से, यूपी से, तो आपको 400 पे करना होगा। अगर आप अदर स्टेट के हों या फिर जनरल वहीं के हों तो आपको 600 पे करना होगा। हाँ, एक जानकारी और बता देता हूँ, कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, अदर स्टेट वाले भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। बात आती वेतन के, आपके हाथ में पैसा कितना मिलने वाला है, तो आप पे स्केल जो है 9 देख सकते हैं, यहाँ पे आप 9300 से लेकर 34,800 तक आपको मिलने वाला है। ग्रेड पे आपका हो जाएगा 4200। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, चयन प्रक्रिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होगा, उसमें जो क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका 10th का 12th का ग्रेजुएशन लेवल का और शिक्षा का, मैं जो आपने लिया है शिक्षण प्रशिक्षण में जो परसेंटेज, उसका वेटेज देखा जाता है। आवेदन करने के लिए आपके पास 20 दिसंबर तक का टाइम है, उस डेट तक आप आवेदन कर सकते हैं। लिंक देखिए इस वेबसाइट में नीचे दिया गया, 2 लिंक है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा मैं जल्दी में हूँ इसलिए सोचा कि आपको जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप अगर आप भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, अगर जानकारी नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching.